Module 99 under the chapter of consumer behavior, the topic is expenditure function properties, and this property is the expenditure function is increasing in utility, and this utility is particularly as we have shown that it is with respect to the given expenditure. So, expenditure function, if we see that whenever there will be any type of the commodities expenditure it has to be particularly attached with certain commodities quantities so whenever there will be one commodity or the two commodity or like this three and the consumer has to select a bundle of the commodities there will be whatever the level of the prices there will be a particular amount of the expenditure and if मोर ऑफ द यूटिलिटी हैज़ टू बी अटेन्ड फॉर द गिवन प्राइसेज दैन फॉर दोज गिवन प्राइसिज इफ मोर कमोडिटीज हैज़ टू बी परचेज दैन मोर एक्सपेंडिचर विल बी रिक्वायर्ड और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं आपने कीमत मुतिन कर ली है और आप ख़रीद रहे हैं किसी भी चीज़ को आप एक दर्जन के ले लेते हैं लेकिन अगर अचानक आप चाहते हैं कि नहीं घर में मेहमान होंगे और मुझे एक दर्जन की बजाय दो दर्जन केले लेने हैं तो जो कीमत आपने तय कर ली है उसके साथ अब आपका यूटिलिटी लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है आपकी तलब बढ़ रही है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो जब अभी फॉर गिवन प्राइसेस पे यानी यहाँ मेन पॉइंट है हम प्राइसेस को तब्दील नहीं कर रहे सो फॉर दोज गिवन प्राइसेस वेन एवर मोर ऑफ एनी कमोडिटी हैज़ टू बी डिमेंडेड वी हैव टू स्पेंड मोर और इसी में अगर हम लगरेंज मल्टीप्लायर की एग्जाम्पल्स जो हमने पहले बहुत दफ़ा इस्तेमाल की है फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ़ यूटिलिटी के लिए भी और मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए भी और अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो अगर हम कहें कि जहाँ पे हमारी यूटिलिटी पॉजिटिव है हम इस्तेमाल और लेकिन मेन हमारी यूटिलिटी ज़ीरो ना हो अगर हम उस पर जब अपने मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारा जो लगरेंज मल्टीप्लायर है वो हमारा असरटेन करता है कि दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन द मनी एक्सपेंडिचर विद रिलेटेड टू द चेंज इन द यूटिलिटी सो जब जब हम अपनी यूटिलिटी को चेंज करेंगे तो विद रिस्पेक्ट से हमारी अमाउंट ऑफ मनी और एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा और उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी अखराजा में जो भी एक शय है या दो है या तीन है उन तीनों में या उससे ज़्यादा भी हो सकती है हर चीज की मार्केट प्राइस के तहत अखराजत मौजूद हैं तो उसके ऊपर जो सरमाया लग रहा है या अखराज लग रहे हैं वो उसकी रिलेटेड कॉस्ट है फॉर वन एडिशनल यूनिट के लिए अगर हम उसको तय करें तो हम कहेंगे कि हर एक एडिशनल यूनिट किसी भी चीज़ का एक्स वाई जी का लेते हुए जो उसके ऊपर सरमाया लग रहा होगा वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है जब हम इसको मद्देनजर रखते हैं तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमें बताती है कि जो रेट ऑफ चेंज है मिनिमम एक्सपेंडिचर का क्योंकि हम जब भी एक चीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे तो जो उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर या जो उसका मार्जिनल कॉस्ट है वो उसमें एडअप होता चला जाएगा तो उसी वजह से वो डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट ऐड होने की वजह से जो टोटल सरमाया जो टोटल कॉस्ट ऑफ़ एक्सपेंडिचर होगी फॉर द परचेज ऑफ वेरियस कंज्यूमर आइटम दैट विल इंक्रीज फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी और फॉर विद द पैसेज ऑफ इंक्रीज ऑफ द यूटिलिटी तो इसी से अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मिनिमम एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ एम से शो किया है तो वो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायर्ड यूटिलिटी लेवल जो है हम कहें तो वो इनक्रीज कर सकता है जैसे जैसे हम यूटिलिटी लेवल को एनहांस करते चले जाएंगे और इसी हवाले से अगर हम देखें तो जो स्मॉल म्यू के हवाले से हमने अगर इसको अगर हम शो करें तो ये रेसिप्रोकल है जो हम कंज्यूमर फंक्शन में लग्रेंज मल्टीप्लायर में इस्तेमाल करते हैं एक अमाउंट नोटेशन दैट इज कार्ड लेमडा क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा है ये क्रॉस पॉन्ड कर रहा होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए और उसी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में जब हम बात करते थे तो हम कहते हैं कि जो लेमडा है ये हमें किसी भी एक कमोडिटी की पर यूनिट प्राइस शो करता है अगर हम कहें कि हम कहें कि इफ व्हाट इज लेमडा तो हम कहते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू द चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस तो अगर हम देखें तो ये इसका मतलब है कि एक यूनिट प्राइस के तहत किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी कैसे चेंज होती है तो अगर हम उसी को इन्वर्स करके उसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली अगर हम इसको इन्वर्स करें तो अब हम देखें तो हमारी प्राइस ऊपर चली जाती है और अगर उसी प्राइस को हम कन्वर्ट कर लें या अदर वर्ड्स दे लें अपनी कॉस्ट का या एक्सपेंडिचर का तो हम कहते हैं कि नाउ इट इज़ चेंज इन द मिनिमम एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी और अब इसको हम नोटेशन जो है वो स्मॉल म्यू की दे देते हैं तो इट मीन इट इज़ द सेम सो नाउ इट विल बिकम हेयर बिकम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम हमारे पास यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस के रेफरेंस से आता है और ये हमारे पास आ जाएगी कि चेंज इन यूटिलिटी के साथ हमारी इनकम की मार्जिनल ऑस्पेक्ट्स कैसे कर रहे हैं और अगर हम इसी में देखें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी की जो थ्योरी है जिस पे हम चीजों को ऑर्डर के तहत ले रहे होते हैं मींस हम उनकी रैंकिंग कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व्स के तहत हम उसको देख रहे थे तो ये हमें अलाउ करती है कि जो साइन ऑफ म्यू है ये एस्टेब्लिश हो क्योंकि रैंकिंग में हम जब भी उसका टर्मिनल uh, पॉइंट लें या हम उसका टेंजेंट पॉइंट लें तो हमारे पास एशिया की रिस्पेक्टिव प्राइसेस और कमोडिटी की क्वांटिटी दोनों मौजूद होती हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमें जो है वो उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर तक लेके जा सकता है सो वी कैन नॉट से दैट म्यू इज़ आइदर नेसेसरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद यूटिलिटी बट इट विल बी रिलेटेड टू that aspect that will be shown by that particular utility or the ordinal utility function so it can be that jab bhi hum kahe ki ke humne utility ko increase karna hai for given prices pe क्योंकि अगर prices नहीं change हो रही तो फिर हमें इस पर जाना पड़ेगा कि yes the related expenditure function it will increase